आज जो बनाएगा सब्जी वो शाम को खेलेगा पबजी। हाँ सो वेलकम बैक, दिस इज मी लकी साइनिंग इन विद द टिडबिट टॉक्स। और आज का ब्लॉग हम शुरू करने जा रहे हैं, कुछ अच्छी चीज हुई है आज हमारे साथ। बेसिकली सबसे पहले तो कैसे हैं आप लोग? मैं मस्त, आप लोग भी एकदम फाइन और मस्त होंगे। पिछले वीडियो में अच्छा रिस्पांस दिया, और अच्छा हो सकता था, दे दो यार क्या जाता है। तो भाई आज मूड इतना एनर्जेटिक इसलिए है क्योंकि आज मंडे है और आज हम जा रहे हैं अब ऑफिस। बेसिकली ये वाला पार्ट में जो शूट कर रहा हूँ वो पार्ट टू है, और पार्ट टू मतलब कि आज के इसी व्लॉग का पार्ट टू है। पार्ट वन इसके बाद जो आने वाला है वो माइट बी पॉसिबल थंबनेल वगैरह देख के आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो भी कोई बात नहीं है यार। अभी थोड़ी देर में अपन रिवेल कर देंगे, तो रिवेल जब होगा जब आप सब्सक्राइब का बटन दबा दोगे और वीडियो पे आखिर तक बने रहोगे। तो कुछ दिनों पहले राधिका ने ये इंटरव्यू मतलब राधिका ने भी इंटरव्यू दिया था और मैंने भी दिया था, जस्ट बिकॉज लॉकडाउन हम लोगों के पास कोई काम धंधे तो है नहीं। जस्ट आपको पता ही होगा कि हम इवेंट मैनेजर थे और इवेंट्स वगैरह की तो भी बजी पड़ी है बैंड पूरी तरह से। अब क्या करें, तो भाई एक ही चीज़ बचती, या तो कोई दूसरा काम धंधा ढूंढे या फिर नौकरी ढूंढे। तो नौकरी के लिए हमने ट्राई किया, मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ और राधिका का हो गया। अब हो गया काहे, तो भाई राधिका का हो गया सिलेक्शन, और सिलेक्शन होने के बाद कुछ 15-20 दिन का उनका डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर था वो हुआ। वो होने के बाद जो आगे दिखाया है मैंने, जो पार्ट आगे दिखाने वाला हूँ वो पार्ट उसी का नतीजा है। तो सबसे पहले नई जॉब के लिए अपन खोलेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन आओ। तो ये इस तरह से लगी हुई है अपने काम में। बेसिकली कंपनी वाले जो है वो वर्क फ्रॉम होम देते हैं। थैंक यू फॉर द लवली सपोर्ट एंड डू विश मी लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू ऑल, बाय बाय। तो भाई अभी वो है बहुत ज्यादा बिजी और हम हैं बेले। तो दोस्तों छोटी मोटी अनबॉक्सिंग करके हम थक गए थे, तो हमने कर दिए कुछ बड़ी, कुछ बिगर और कुछ बड़े डब्बे लाइक दिस। तो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं आज अपन इन दोनों बॉक्सेस की, जो ये दो बड़े बड़े डब्बे हमारे आए हैं। पीनट तुम भी अनबॉक्सिंग करोगे क्या? तो भाई ये बड़े से डब्बे में निकलेगा, ओह बड़ा सा तवा। तो ये पीसी भेजा है पीनट, पीनट तेरी फेवरेट चीज टूट के। ये है मॉनिटर लिनोवो का थिंक सेंटर, जो सिर्फ बिजनेस क्लास वालों को दिया जाता है, मतलब एक्चुअली जो नौकरी करते हैं जब उनको दिया जाता है। इट हैविंग रोटेटिंग कैमरा, अभी यहाँ ऐसे रख देते हैं, ये ऐसा हो गया। और ये जो तवा है, ये तवा कैसा आएगा इसमें? डब्बों में डब्बे डब्बे डब्बे, इन डब्बों में आते हैं। वो क्या देखे चलेगा स्टार्ट करने पे? हाँ कर लेना जो। हाँ इसमें वो इंस्ट्रक्शंस भी आए थे मेल पे। अरे वो क्या बताएंगे, कंप्यूटर है ये, और ये तो 21वीं सदी का कंप्यूटर है, हमने तो 19वीं सदी में खुद का असेंबल कर लिया था। 10वीं में था जब लाए था ना लैपटॉप, है ना, खुद ही बना लिया था अपना कंप्यूटर घर में। तो ये तो अभी बहुत लेट हो चुका है। इट्स नाइस टू सी दिस माइक्रो ऑब्जेक्ट, मतलब मुझे अच्छे से याद है जब मेरा पहला कंप्यूटर आया था तो उसका सीपीयू इतना बड़ा था कि हमें पापा और मैं हम दोनों
पापा और मैं हम दोनों लगे थे उस सीपीयू को अरेंज करने में. लुक एट दिस मशीन. दिस इज मतलब इतना बड़ा तो सीडी ड्राइव होता था. सो फंडा क्या है इस मॉनिटर के पीछे देख रहे हो आप. ये वाला बॉक्स खुलता है समवेयर इस वाली साइड से खोलेंगे. दोनों साइड से खुलता है ये और ये जो सीपीयू है ये इसके अंदर ऐसे करके जाएगा. अब आई एम जस्ट ट्राइंग ओपन अप लाइक दिस. ये ओपन हो गया इस साइड से. ये वाला पोर्शन भी इसका ओपन होगा लाइक दिस और ये अब तो इस तरह से इसमें फिट हो जाएगा. देन विल टाइट बाय एक यहाँ पे नट दिया हुआ है उससे हम इसको टाइट कर देंगे. कंपनी ने मैनुअल के लिए ये वीडियो भेजा है अगर मुझे कुछ हेल्प लगती. तो भाई हमने लगा दिया कीबोर्ड माउस हेडफोन. अब आगे की हम ये देखो आप अगर देख पा रहे हो तो पता नहीं कैमरा इस चीज़ को जस्टिस कर पा रहा है या नहीं. तो ये इस तरह से सीपीयू इसमें फिट हो गया है और ये आगे साइड से ये इस तरह से. चलो आगे का. हाँ तो पीछे देख रहे हो आप वेलकम टू अमेजोन सर्विस सेंटर. घर में ही हमने अपना सर्विस सेंटर बना लिया है. चलो अब अगला चालू करते हैं. तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा चालू होने जा रहा है. वेलकम टू सर्विस मॉनिटर. लेट्स सी है क्या इसके अंदर. ये इन लोगों ने टाइम पास के लिए गेम डाल के भी दिए होंगे ना. इसमें एक घंटे का आपको पबजी ब्रेक मिलेगा जिसमें आप पबजी खेल सकते हैं. ये आज जो बनाएगा सब्जी वो शाम को खेलेगा पबजी. लिनोवो थिंक सेंटर. इस पे बैठ के सोचने का है सब कुछ कि स्पेसिफिकेशंस क्या है. मुझे पर्सनली आई डोंट नो बट हाँ कुछ मैनुअल्स वगैरह है वो मैं बाद में पढ़ूंगा. और कपड़े देख रहे हो आप चेंज इसलिए कि भाई अनबॉक्सिंग करते टाइम सब कुछ इतना बड़ा बड़ा था सब कुछ गंदा संदा हो जाता है और नहाने के बाद अपने से ये सारे काम नहीं होते हैं. मेरे को पता है आप लोगों में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो लोग ऐसे हैं कि नहाने के बाद ये उठा पटक के हम्बाली वाले काम नहीं कर पाते हो. कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन मेरे जैसी ऐसी आदतें रखता है. तो बेसिकली राधिका की जॉब लगी है अमेजोन सर्विस का. सीन कोविड की वजह से बंद है. सबने वर्क फ्रॉम होम दे रखा है. अमेजोन ने न्यू ज्वाइनिंग्स को भी वर्क फ्रॉम होम दे रखा है इसलिए पीसीज और जितना भी सेटअप है उन्होंने यहाँ भेज दिया और हमने उसको इंस्टॉल कर लिया. अब रेस्ट सेटअप जो है वो मैं शाम को आके ऑफिस से फिर करूँगा. तो इस व्लॉग को हम अभी के लिए रखते हैं बस इतना ही. स्वीट सिंपल शॉर्ट सा व्लॉग. बहुत सारा प्यार बरसा देना. पसंद आए तो लाइक करके जाना कमेंट करके जाना. जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके जाना. जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा उनको दिल से बहुत सारा थैंक यू. और अपने दोस्तों को भी दिखाओ लोगों को दिखाओ. कुछ इन्फॉर्मेटिव होता है कुछ अच्छा होता है. हम आपको अपनी लाइफ में जो जैसा होता जाता है हम बताते चले आते. सो दिस इज मी लकी साइनिंग ऑफ विद द टिडबिट टॉक्स. और जो दिल में आए वो करो. बाय बाय.